एक सास की पांच पतंगबाज बहुएं। महिपालपुर गांव में रहने वाली कुंती देवी के पांच बेटे थे, जिनके ब्याह से उसके घर पांच बहुएं भी आ गईं। वो अपनी पांचों बहुओं का स्वागत करते हुए कहती है, अरे आओ आओ अंगना में पधारो मेरी पांचों पांडवी बहुओं। पांच बहुएं एक साथ प्रवेश करके कुंती का आशीर्वाद लेती हैं। दूधो नहाओ पूतो भलो, अब से सभी को एक डोर में बांध कर रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। मगर सासू माँ, डोर बांधने के लिए नहीं, उड़ान भरने के लिए है। डोर से ही तो पतंग की खींचतानी होती है। अरे शर्मीली बहू, खाली पीली खींचतान करने की बात कहाँ से आ गई? इस पर कुंती की दूसरी बहू पीहू कहती है, माँ जी नहीं समझी, अब न्यासा आपको डेमो देकर समझाएगी। माँ जी मान लीजिए आप एक पतंग है, वैसे तो पतंग पतला होता है, मगर डेमो देने के लिए आपका थुलथुला शरीर चलेगा। अब जो पतंग को परिंदे जितना ऊंचा उड़ाना है, तो डोर को ढील तो देनी ही पड़ेगी ना। अरे मेरे पांच सितारे नकारे औलाद, कौन सी पहेलियां बुझा रही हैं तुम पांचों की अर्धांग। माँ, आपकी पांच बहुएं पतंग उड़ाने की बड़ी शौकीन है। ये सुनकर कुंती माथा पकड़कर हैरानी से चौंक कर कहती है, क्या जी माँ जी, हम पांचों में पतंग उड़ाने का परवान बचपन से ही चढ़ा हुआ है। पतंग की दांव पेच में ही तो हमें आपके पांचों बेटे पसंद आए थे, क्यों जी? हमारे प्यार के तेज मांझे ने इन पांचों के दिल की पतंग को काटा था। इस पर पांचों बहुएं की बातें सुन कुंती कुड़ते हुए कहती है, बस करो ये पतंग का प्रस्ताव सुनना, जाओ जाकर आराम फरमाओ। पांच बहुएं अपने पतियों के साथ कमरे की ओर चल देती हैं। अगले सवेरे रसोई घर के पास से गुजरते हुए कुंती के कान में एक गीत के बोल पड़ते हैं, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा सांचा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर है मांझा। मांझी में लिपटी है पतंग, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए। पांचों बहुएं बाहें फैलाए नाच गा रही होती हैं कि सास को सामने खड़ा देख पांच बहू के हाथ रसोई घर के ऊपरी दीवार की तरफ रुक जाते हैं और कुंती कहती है, वाह वाह क्या मुजरा किया है तुम पांचों पतंगबाज बहुओं ने। इस कुंती देवी की पतंगबाज पांच बहुएं चुप्पी साध लेती हैं। तभी पीहू हाथों में हलवा लेकर कहती है, ये जलवा बहुओं का है ये जलवा, खा लो माँ जी मीठा हलवा। फिर क्या था, हलवा देखकर खाने की शौकीन कुंती का जी ललच जाता है। है, अब तुम कहती हो तो स्वाद के लिए चख लेती हूँ। कुंती हलवा की कटोरी लेकर चल देती है और पांचों बहुएं गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, उफ आज तो हम पांचों की डोर कटते कटते बच गई। अरे वो तो हमारे हलवे के चलते सासू माँ की गर्मी नरमी में बदल गई। इस तरह पतंग की शौकीन पांचों बहू ससुराल के पहले दिन का पड़ाव पार कर जाती हैं। अगली दोपहर, अरे कहाँ हो मेरी पांचों पांडवी, अंबिका शर्मिली पीहू न्यासा रोशनी, अरे जिंदा भी हो कि निपट गई? एक के पीछे एक करके पांच बहुएं हवा में हाथ लहराती हुई कुंती के पास चली आती हैं। ढीले दे 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 रे भैया, उस पतंग को ढीले दे। हे ईश्वर, पतंग के पीछे पागल हुई पड़ी है मेरी पांचों बहुए। अच्छा गौर से सुनो मेरी ये कैरिया, धूप में सुखा आओ। पांचों एक साथ छत पर आती हैं, तभी उनकी नजर आसमान में कटी हुई पतंग पर पड़ती है और पांचों खुशी से उछलती हुई कहती हैं, आइबो। बहुओं की आवाज जैसे कुंती के कानों में पड़ती है, वो कहती हैं, जाने अब ये पतंग की पगलिया मेरी पांचों बहुएं क्या कर रही हैं। कुंती झटपट से छत पर चढ़ जाती है, जहाँ उसकी पांच बहुएं कटी हुई पतंग को लूटने में लगी होती हैं। ये देख कुंती कहती है, अरे नास पीटियो, पूरे महिपालपुर की मंडली छत पर जम गई है, ऐसा भी क्या पतंग का परवान चढ़ा है तुमको? माँ जी, आपको आपकी बहुओं की पतंगबाजी की कला की कद्र नहीं ना? कुंती के लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी पांचों बहुएं उसकी एक नहीं सुनती। थक हार कर कुंती कहती है, हे ईश्वर, सबकी बहुएं चालबाज होती हैं, मगर मेरी बहुएं तो पतंगबाज निकली। पतंग उड़ाने की होड़ में मेरी बात इन पांचों के पल्ले ही नहीं पड़ रही। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं, दोपहर से शाम हो जाती है। 7 बजने को हो गए, मगर मेरी पतंगबाज बहुओं का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं। अब तो ऐसे में अपना हाथ ही जगन्नाथ है।
कुंती रसोई घर में आकर खाना बनाने में जुट जाती है। कुछ पल बाद उसकी पांचों बहुएं हाथों में पतंग की डोरी लिए नीचे लौटती हैं। अरे नास पीटियो, इतनी सारी पतंग कहाँ से लूट कर लाई हो? माँ जी, ये सारी पतंग हमने अपनी एक पतंग से काटी है। हे ऊपर वाले, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या करूँ मैं इन पतंगबाज बहुओं का, जाने कैसी पतंगबाज लुटेरल लुगाइयों को बहू बनाकर उठा लाई हूँ। खैर, अब पतंग का परिंदों से मेल मिलाप करा के थक गई होगी पांचो। खाना बना दिया है, खा लो। पेट भर खाना खाकर पांचो अपने कमरों का रुख कर लेती हैं। अगली सुबह सवेर के 10 बज गए, मगर मेरी ये बहुए अभी भी सपने में पतंग की उड़ान भर रही हैं। ये कहकर कुंती रसोई घर का रुख करती है, जहाँ किचन का बिगड़ा हाल देख वो खिसिया कर कहती है, अरे ओ मेरी पतंगबाज बहुओ, यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ? क्यों री मेरी पतंगबाज बहुरानियों, ये बर्तनों का ढेर किसके खातिर छोड़ा है, धोया क्यों नहीं? वो माँ जी, कल हम पांचों को पतंग उड़ाने की होड़ में पता ही नहीं चला कि कब पतंग के तेज मांझे से हमारी उंगलियाँ कट गई हैं। ऐसे में हम बर्तन कैसे मांजेंगे? एकाएक से तेज हवा घर के प्रांगण में फैल जाती है, जिसे देख शर्मीली कहती है, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं। माँ जी, मानसून का महीना छा गया है, अब हम तो चलिए पतंग उड़ाने। पांचों पतंग और चरखी लेकर छत पर निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद, अरे कुंती, घर में हो का? अंदर हूँ, आ जा। अरे का हो कुंती, पांच पतहू के रहेत ये बर्तन चौका धोके करके पड़त बा? हाँ, अब तुम्हारी पांचों पतहू को पतंग लहराने से फुर्सत मिले तब तो कामकाज में हाथ पड़े उका। बिंदिया रानी, अपनी ये मार धार करने वाली बोली लेकर खिसक ले, वरना मेरी पतंगबाज बहुओं के चलते कहीं तेरा मेरा पंगा न पड़ जाए। कुंती का रौद्र रूप देख बिंदिया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कुंती के बेटे घर लौट आते हैं। अरे माँ, ये पांचों कहाँ हैं जो आप ये सब कर रही हैं? पांचों पिछले आधे दिन से छत पर हुड़दंग मचा रही हैं, पतंग उड़ा रही हैं, और क्या। ये सुनकर उसके पांचों बेटे हंस पड़ते हैं। बंद करो ये बत्ती सी चमकाना, अरे मोहल्ले में रहने वाली पड़ोसनों के प्रांगणों में पोते पोती की किलकारी गूंजती है, मगर मेरी इन पतंगबाज बहुओं के चलते आई बो और काई पोचे के सिवा कुछ सुनने को मिलता ही नहीं। अब इनकी डोर कसने की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपती हूँ, समझे। माँ की बात मानकर पांचों अपनी पत्नियों को पतंग उड़ाने से साफ मना कर देते हैं। उस दिन के बाद से पांचों ससुराल की बागडोर संभाल लेती हैं। एक सप्ताह बाद, गोपाल, दिनेश। क्या बात है माँ, अब तो आपकी बहुएं कामकाजी हो गई हैं, फिर ये परेशान चेहरा। जाने क्यों कई दिनों से ये पांचों एकदम गुमसुम सी रहने लगी हैं। वो इसलिए माँ, क्योंकि आपने इन पांचों से पतंग के साथ इनकी पहचान भी छीन ली है। माँ, इंसान को जिस चीज में खुशी मिले वो जरूरी है, आपकी पांचों बहुओं को पतंग उड़ाना बेहद पसंद है, ये तो आप जानती है ना। शायद मैंने पतंग के साथ इनके पंख छीन लिए हैं, अब बस कल का इंतजार है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगली सुबह चारों ओर 15 अगस्त की होड़ मची पड़ी थी। अरे सारा आसमान पतंगों की उड़ान भर रहा है और मेरी पांचों पतंगबाज बहुए बंद कमरे के भीतर, ये बात कुछ पची नहीं। मगर माँ जी, आपने ही तो मना किया था कि हम पतंग ना उड़ाएं। मगर बहुरानी, आज 15 अगस्त है, आज के खातिर तुम पांचों को पतंग उड़ाने की पूरी आजादी है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। माँ जी, अब से आपकी पतंगबाज बहू के हाथों में पतंग की डोर केवल मकर संक्रांति और 15 अगस्त पर ही दिखाई पड़ेगी, बाकी दिन करछी और कड़ाई दिखाई देगी। इस तरह अंत में आपसी साझेदारी से सास बहू की समस्या का समाधान हो जाता है। सभी मिलकर 15 अगस्त में पतंग की उड़ान भरती हैं।